नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग एक और ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी नाम इन्होंने नहीं लिखा है इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूं चलिए देखते हैं कि ये क्या लिख करके भेजती हैं इन्होंने लिखा है मैनिफेस्टेड इंस्टेंट लोन ऑफ टू लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज वाओ मतलब ट्रिपल टू ट्रिपल जीरो क्या बात है ये नंबर भी हमारे लिए तो कमाल का ही है हाय श्याम भवी आपके वीडियोज और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉकडाउन में कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ कि लाइफ में एक्साइटमेंट आ गई वाह आपके लाइन पढ़ के ना मैं एक्साइटेड हो गई क्या लाइन है आई लव योर एक्साइटमेंट वैसे तो मुझे कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना था जिसमें आ, आपने मुझे इन सब पर गाइडेंस भी दी थी पर इन सब के बीच में मेरी छोटी छोटी इंटेंशंस भी ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करती चली गई टू मंथ पहले मुझे पर्सनल लोन की ज़रूरत थी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि एक बार उसके बैंक की ऐप पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की ऑफर आई हुई थी जिसमें तीन मिनट में बगैर किसी डॉक्यूमेंट के लोन मिल जाता है और अकाउंट में पैसे आ जाते हैं मैं इस बात को सुनकर ही इमेजिन करने लगी वाओ कितना अच्छा लगा होगा ना मेरी फ्रेंड को जब उसे तीन मिनट में इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल गया होगा मैंने ऐसा सोचना भी शुरू कर दिया और मुझे अच्छा भी लगने लगा पर मेरी ऐप पर ऐसी कोई ऑफ़र नहीं थी मैंने पहले कभी लोन भी नहीं लिया था मैंने एक दो बैंक में ट्राई किया था डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए थे बट किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था और किसी में मेरी फाइल ही रिजेक्ट हो जाती थी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी मैंने भगवान जी को यूनिवर्स को बोला अब आपके हवाले मेरे लोन की नैया अब आप ही पार लगाओ आ हा हाहा हा क्या लाइन है फिर से पढ़ती हूँ हाँ ये वाली लाइन क्योंकि ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी अब आपके हवाले मेरे लोन की नैया आप ही पार लगाओ ऐसा ही किया करो उनको दे दिया करो बोलो आप ही पार लगाओ जब चीज़ें आपसे नहीं हो तो मैंने लोन के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था कि मुझे मेरी बैंक से कोई कॉल आएगी बट कॉल आई कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं और आपके प्री अप्रूव्ड लोन की ऑफर है पाँच लाख तक का लोन आप ले सकते हैं और मैं खुश हो गई फटाफट ऐप पे गई पाँच मिनट में मेरे अकाउंट में टू लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड यानी ट्रिपल टू ट्रिपल ज़ीरो रुपीज़ आ गए लोन मैंने टू लाख ट्वेंटी फ़ाइव थाउजेंड रुपीज़ का अप्लाई किया था प्रोसेसिंग फ़ी कट होकर के मुझे आए टू लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ और वो मेरे अकाउंट में शो हो रहे थे वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर आई वॉज सो हैप्पी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और जो समझ में आया वो ये आया कि इतने धक्के खा कर लोन इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि लोन तो बहुत ही आराम से और इंस्टेंटली मुझे मिलने वाला था उन दिनों ट्रिपल टू नंबर मुझे बहुत ज़्यादा बार दिखाई दे रहा था थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू, 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 यू श्याम भवी बहुत जल्दी अपनी बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको भेजूंगी थैंक यू थैंक यू आई लव यू कंग्रेचुलेशन है ना कितनी ब्यूटिफुल सी बात देखिए मैं आपको बताते रहती हूँ कि साइन दिखते हैं आपको यूनिवर्स के तो इनको भी साइन दिख रहे थे और इन्होंने मैनिफेस्ट भी कर लिया जब आपको लगे कि आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो रहे हो जैसे ये परेशान हो रही थी ये लोन के लिए जा रही थी तो कहीं पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था कहीं और जा रही थी तो फाइल रिजेक्ट हो जा रही थी क्योंकि यूनिवर्स ने डिज़ाइन किया हुआ था इज़िली आराम से मिलने वाला है इनको तो वो धके खा के नहीं मिलने वाला था तो तो वो डिजाइन जब जब आराम से है तो जब आपको लगे कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं चीज हो ही नहीं रही है बार बार कर रहे हैं नहीं हो रही है बार बार कर रहे हैं नहीं हो रही छोड़ दीजिए जो इनकी खूबसूरत लाइन थी मैंने दो बार पढ़ी थी कह दीजिए अब आप, आप भी यूनिवर्स को कि आपके हवाले है भाई नैया अब आप पार लगाओ थी ना कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी और इसके अंदर हमें ये सीख भी मिल जाती है कि जब चीजें नहीं हो रही हों तो उसको एक समय के बाद में छोड़ दें यूनिवर्स के हवाले कर दें ईश्वर के हवाले कर दें भगवान के हवाले कर दें और बोले कि अब आप देखो भाई इसका क्या करना है उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे जैसे इनको हुआ ना जैसे कहते हैं ना वो मक्खन में से बाल निकल जाता है मतलब मक्खन की तरह कट जाता है क्या होता है वो जो भी होता है मतलब ईजी स्मूदली हो जाएगा करके देखा करो परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि परेशान होने से ज्यादातर चीज़ों का हल नहीं निकलता है आसान तरीके से वो डिजाइन होता है इसलिए आपका परेशान होने का और इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करने का दुखी होने का नेगेटिव होने का कोई फायदा नहीं होता है समझ गए ना आपकी स्टोरी जी बड़ी ब्यूटीफुल थी हमें बड़ा मजा आया मैं तो एक्साइटेड हो गई जब आपने ये लिखा था कि आ हाहा हा आप भी एक्साइटमेंट से भर गए अपना अपना ख्याल रखा करो अपने आप से ढेर सारा प्यार किया करो ऐसी एक्साइटेड रहा करो खुश रहा करो तब देखोगी कैसे वाले मैनिफेस्टेशन होते हैं और आपकी सारी की सारी सक्सेस स्टोरीज है ना मैं शेयर करने वाली हूँ इस चैनल को बनाने के पीछे रीजन यही था कि मुझे पता था इतनी सारी आने वाली हैं सक्सेस स्टोरीज और मैं सारी सारी शेयर करूंगी आई लव यू ऑल बाय